हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे फिर से नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम अपने रेवती का मेला दिखाने वाले हैं आपको, जो कि बलिया जिला में बहुत ही मशहूर है। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आइए दिखाते हैं एक छोटे से क्लिप के माध्यम से पूरा अपने रेवती मार्केट का मूर्ति का नज़ारा। शुरुआत पहले मूर्ति के साथ हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति बहुत ही बढ़िया और बड़े बेहतरीन बनाया है कारीगर ने। क्या ही नज़ारा है आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ मूर्ति का पूजा पाठ हो रहा था, और यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी से चल दिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई मतलब मूर्तियाँ इतनी है ना कि हम पैदल घूम नहीं सकते और ना ही आपको दिखा सकते हैं। मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ चारों तरफ आजू बाजू मतलब खिलौने की दुकान अच्छी अच्छी लगी है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं और इस मूर्ति का भी नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया है, और पंडाल भी अच्छा बनाया गया है भाई। इसलिए तो हमारे रेवती मतलब फेमस है भाई, मूर्तियों के मामले में और हम मेलों के मामले में हमारा, इसलिए यही क्षेत्र बहुत ही बढ़िया प्रगति करता है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, और जा रहे हैं हम आगे की तरफ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई मतलब बिना देरी के हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और भाई कुछ क्लिप अगर छूट जाए तो माफ़ करना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, फिर हम आगे जा ही रहे थे तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी भीड़ है, और यहाँ पर पूजा पाठ होने वाली दुकानें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ भी मतलब एक पंडाल के पास आए तो देखे कि यहाँ भी पूजा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की भी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी है, इसलिए आपको दिखा दिए। मतलब भाई देख लीजिए, पंडाल भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं मतलब ऊपर झूमर टंगा है और नीचे बल्ब लटका है। फिर भाई मतलब इतना मतलब नाइट में इतना ज़बरदस्ती होता है ना, क्या बताएं आपको। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी मूर्ति के पास हम आ चुके हैं, और ये भी कितनी बढ़िया मूर्ति कारीगर ने बनाया है और मनमोहक भी है। तो हम बढ़ रहे हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेलने वाला बच्चों के लिए लगाया गया है। और सबसे पहले अब हमको बता दें कि रेवती का नंबर वन ये पंडाल है भाई, हमेशा ये पंडाल जिसने बनाता है ना, जो बनाता है ये पंडाल, वो हमेशा एक नंबर पर ये हमारा पंडाल रहता है, और रेवती का सबसे नंबर वन पंडाल है। तो अभी हम गुफा में ढुक रहे हैं, आप देख सकते हैं मतलब गुफा के जाने का रास्ता है, और ये अभी हम जा रहे हैं। बे भाई साहब मतलब देख लीजिए कितना घुमा फिरा के जाया जा रहा है। सबसे पहले एक कार्तिकेय जी, और आगे जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, आप देख सकते हैं मतलब वीडियो में कितना ही अच्छा गुफा बना हुआ है, और इसको घुमा घुमा कर कितना अच्छा बना दिया गया है। तो हम अंदर आके देख रहे हैं कि यहाँ गुफा के अंदर मतलब दुकानें लगी हुई हैं जो कि पूजा पाठ के लिए अवेलेबल है, और अंदर मतलब जो माता रानी के दर्शन करने आएगा वो यहीं से प्रसाद खरीद कर माता रानी को चढ़ाएगा। तो आप देख सकते हैं मतलब पंडाल बाहर से तो बहुत ही बढ़िया था, और अंदर में भी मतलब मूर्तियाँ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मूर्तियाँ उपस्थित हैं। तो मतलब आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएगा कि आपको लोगों को यह मूर्ति कैसा लगा होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो हम दूसरे पंडाल के पास आए तो देखा कि मतलब डुप्लिकेट पंडाल यहाँ पे भी लग बन चुका है उसका। तो आप देख सकते हैं मतलब ये भी बढ़िया है, और हम इसके अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मतलब ये भी पंडाल किस प्रकार से बनाया गया है। तो देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं अंदर के इस पंडाल के बाद मतलब कुछ दूरी के बाद एक और पंडाल है, उसके पास हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब ये पंडाल स्कूल में ही बनाया गया है, आप देख सकते हैं मतलब ये पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो हम जा रहे हैं पास में, और आप देख सकते हैं मतलब ये कितना अच्छा और मतलब बढ़िया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब सीढ़ियाँ भी तैयार की जा रही है, और आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ हैं, और अभी मतलब तैयारी चल रही है भाई, अभी आज पहला दिन है ना तो यहाँ, इसलिए अभी मतलब सब कुछ की तैयारी चल रही है। देख लीजिए ये अभी राम लक्ष्मण और हनुमान जी को बाहर ही रखा गया है, और सीता मैया को, तो मतलब अभी सजाया जा रहा है, इसलिए अभी सभी मूर्तियाँ भी बाहर हैं, अभी शाम तक सभी मूर्तियों को सजा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मतलब अभी अभी यहाँ पे दोनों फोटो भी खींच रहे हैं,
तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। कुछ दूरी पर आए तो आप देख सकते हैं मतलब ये भी पंडाल अच्छा खासा बनाया गया है। दो पंडाल एक ही जगहों पे था इसलिए मतलब दोनों एक ही टाइप के बनाए हैं और ये बड़ा मतलब एक दूसरे से बड़ा दिखाई दे रहा है ये पंडाल। आप देख सकते हैं मतलब कितना, अब अंदर जा रहे थे तो देख लीजिए ये भी कितना मतलब अंदर सजावट कितना बढ़िया किया गया है। आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन बहुत ही हमको प्यारा लगा और सबसे नंबर वन हम इसको मानते हैं डेकोरेशन के मामले में। तो आप देख सकते हैं मतलब भाई वृक्ष पे भी, तो आप देख सकते हैं कि वृक्ष के डालियों के ऊपर झालरें लटकाई गई हैं जो कि बहुत ही मनमोहक और सुंदर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मतलब नाइट में भाई इतना बढ़िया व्यू जाएगा ना कि आप मतलब भाई देखने से मन एकदम खुश हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों की डालियाँ भी लगाई गई हैं और भाई मतलब यहाँ तो मूर्तियाँ एक नंबर पे हैं। आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा बनाया गया है और मतलब यहाँ का व्यू है ना भाई इतना मनमोहक है कि भाई कोई आएगा तो मतलब कम से कम 5 मिनट तो जरूर रुकेगा और इस यहाँ का डेकोरेशन देखेगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लोग काम पे भी लगे थे। हम भी आगे जा रहे हैं और मतलब आज आपको सारी मूर्तियाँ दिखाएंगे और हमारा ये ग्रुप है तीनों लोग। उसके बाद हम इस पंडाल के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। आप देख सकते हैं ये आगे आगे जा रहा है तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे एक ही मूर्ति है भाई लेकिन बहुत ही बढ़िया है और यहाँ का डेकोरेशन भी मस्त था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अंधेरा छाया था तो आप देख सकते हैं यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं मतलब क्या ही नजारा है भाई यहाँ की भी मूर्ति मतलब भाई जितनी मूर्तियाँ है ना बहुत ही अच्छी है। तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं मतलब भाई हमें बाइक से ही जाना पड़ रहा है ना तो इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं और यहाँ पे रुकेंगे उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ का भी मूर्ति मतलब भाई बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। आगे आए तो देख लीजिए ये मूर्ति भी बहुत प्यारा लग रहा है और उसके बाद हम फिर मोटरसाइकिल उठाकर चल दिए थे। उसके बाद मतलब जाते 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 भाई मतलब आप देख सकते हैं कि ऊपर का भी डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है तो मतलब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर यहाँ पे हम रुकेंगे, उसके रुकने के बाद आप देख सकते हैं मतलब यहाँ का भी मूर्ति का नज़ारा। अभी यहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है भाई। मतलब पेड़ कटा हुआ है आप देख सकते हैं मतलब क्या ही मस्त व्यूज है और यहाँ का मूर्तियाँ भी बहुत ही अच्छी कलाकार ने बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं फिर और लास्ट पंडाल के पास जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो पंडाल की मतलब भाई आप देख सकते हैं कि ये मतलब भाई क्या ही मतलब डेकोरेशन ये सब किए हैं, सब एक से बढ़कर एक डेकोरेशन कर लिए हैं ताकि आप अपनी अपनी मूर्ति को एक नंबर पे ला सकें। तो फिर हम एक मतलब लास्ट मूर्ति के पास जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति का मतलब एक नंबर हमको दिया जा सके भाई, क्या ही नरसिम्हा वाला स्टाइल है। हाँ तो अब हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।